नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने वरिष्ठ चित्रकार हरेंद्र शाह जी, जो कि इंदौर से हैं। हरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं आपका बचपन कहां बीता, आपकी स्कूलिंग कहां हुई व इस फील्ड के लिए आपको किसने प्रेरित किया। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के गुजराती स्कूल में हुई। पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, चित्रकला में शुरू से ही रुझान रहा है। मेरे पिताजी और बड़े भाई ने मुझे इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित किया। स्कूलिंग यानी कि 11वीं पास करने के बाद फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर में मेरा कला का अध्ययन हुआ। मेरे गुरुजन चंद्रेश सक्सेना दुबे साहब किरकिरे साहब रहे। सक्सेना साहब के साथ इंदौर के आसपास लैंडस्केप करने जाते थे, साथ में मेरे मित्र भी रहते थे। मुझे शुरू से ही लैंडस्केप में ज़्यादा रुचि रही है, वही मेरे अभी तक के चित्रों में कुछ अलग तरीके से भी दिखाई देता है। ये प्रकृति हमें बहुत सिखाती है, उसे इस क्षेत्र में मुझे बहुत ही सीखने को मिला। जी सर, हम जानना चाहते हैं क्या एब्स्ट्रैक्शन में कुछ तय होता है या काम के फ्लो के साथ या काम के सामंजस्य के साथ उसको एक नया रूप वो खुद ब खुद लेता रहता है। एब्स्ट्रैक्ट में पहले से कुछ भी तय नहीं होता है। हाँ, केवल कुछ रंग योजना दिमाग में रहती है, उन रंगों से काम शुरू हो जाता है। कैनवास में रंग लगाने की शुरुआत करते ही पेंटिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है और कैनवास पर काम करते करते उसे किस तरह आगे बढ़ाना है वह अनुभव के आधार पर पूरा होता जाता है। जी, आपके बहुत सारे काम में टेक्स्ट का यूज़ किया गया है, उसके पीछे का क्या कारण है, उस विषय को भी हम जानना चाहते हैं। मेरी फाइन आर्ट्स की पढ़ाई के बाद अकादमिक काम से कुछ हटकर काम करने को सोचा। शुरुआत मैगजीन के कागज का उपयोग करने लगा था, उसमें छपी हुई काफ़ी चीज़ों को अपने पेंटिंग का हिस्सा बनाया, वह अभी भी मेरे कुछ चित्रों में आ जाती है। जी, एक व्यूअर का सवाल था, एब्स्ट्रैक्शन को किस तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो उसके पीछे आप क्या बोलना चाहेंगे। आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि एब्स्ट्रैक्शन को एक साधारण दर्शक किस तरीके से देखे। तो मेरा कहना है कि एक साधारण दर्शक जो प्रदर्शनी में इस तरह के चित्र देखता है तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उसने इस तरह के काम को कभी रुककर अच्छे से देखा ही नहीं है और उसे समय नहीं दिया है। मैं उन दर्शकों को यही कहूँगा कि बहुत साधारण शब्दों में यह कहूँगा कि जिस प्रकार हम बादलों को देखकर कहते हैं वाह कितना सुंदर दिख रहा है, जबकि बादल का कोई निश्चित आकार या रंग नहीं होता है, कभी नीला कभी सफ़ेद कभी लाल आदि अलग अलग समय में अलग अलग रंग दिखते हैं, उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। इसी प्रकार अमूर्त चित्रों में भी कोई निश्चित आकार को देखने की कोशिश न करें, कलाकार के रचने का अपना एक तरीका होता है, उन कामों को देखने के लिए समय दें। निश्चित रूप से दर्शक एक साधारण दर्शक भी इन चित्रों का आनंद ले पाएंगे। इसके लिए बार बार गैलरी की विजिट लेना चाहिए और उन चित्रों को समय दें, कलाकारों से बातचीत करें। इस बारे में काफ़ी कुछ उन्हें देखने को मिलेगा और वह उसका आनंद भी ले पाएंगे।
जी सर, हम जानना चाहते हैं कलाकार के हर एक प्रत्येक कलाकार के जीवन में एक ऐसी कोई घटना होती है जिनको उनका देखने का, समझने का, सोचने का नज़रिया बदल देता है। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना है जिसका जिक्र आप करना चाहते हैं? मेरे जीवन में दो घटनाएं विशेष याद कर रही है। जब आर्ट टूडे गैलरी दिल्ली में यंग इंदौर टाइटल से हुसैन साहब ने एक शो की ओर क्यूरेट किया था, जिसमें मेरे साथ रमेश खेर, अवधेश यादव, कादिर और अनिस निया जी, ये सब इंदौर के कलाकार थे। वह शो हुसैन साहब अपने तीनों दिन वहाँ उपस्थित रहकर हमें बहुत प्रोत्साहित किया और एक यादगार शो बनाया। दूसरा एक शो इंदौर में, इंदौर का जो अंकित ग्रुप है उन्होंने मेरा शो इंदौर के फाइन आर्ट्स कॉलेज में किया। देवलालिकर कला वीथिका का पूरा लुक ही उन्होंने बदल दिया। कैटलॉग, इनविटेशन, पोस्टर सबको शानदार ढंग से डिजाइन किया। इसके लिए मैं पंकज भाई पप्पू शर्मा जी को बहुत बधाई दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक यादगार शो इंदौर के लिए किया था। जी सर, हम जानना चाहते हैं ताओ आर्ट गैलरी का भी आपका एक शो का किस्सा है, वो उस विषय में भी आप कुछ दर्शकों से शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। इसी तरह का एक ग्रुप शो का जिक्र करूंगा। मुंबई की ताओ आर्ट गैलरी ने ब्लैक एंड वाइट ग्रुप शो एक आयोजन किया था 2006 में, जिसमें देश के ख्यात कलाकार सभी, मेरे ख्याल से जो जिनका नाम कला के क्षेत्र में बहुत है, उनके साथ मेरा भी इस शो में एक पेंटिंग, दो पेंटिंग प्रदर्शित किए थे, जो कि एक बहुत अच्छा शो रहा था। जी सर, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, उससे पहले मैं एक उन सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि दूसरे नए वीडियोस आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरे ख्याल से ये जो अभ्यास बहुत ज़रूरी है हर किसी क्षेत्र के लिए, हर किसी कलाकार के लिए, चाहे वो कोई भी विधा में काम कर रहे हों। तो हम सर से आखिरी सवाल लेते हैं कि जो नए कलाकार हैं वह इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए सर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर बिल्कुल उनके लिए दो शब्द आप ज़रूर कहिएगा। नए स्टूडेंट और आर्टिस्ट जो इस फील्ड में हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि यह काम ऐसा है कि उसको निरंतर करें। अपने कामों में कुछ अंतराल के बाद कुछ नया करने का प्रयास करें, क्योंकि एक समय के बाद काम में दोहराव आ जाता है, रिपीटेशन, अतः उससे बचना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा पिकासो का। उन्होंने अपने कई माध्यमों में काम किया, उनके कामों में बहुत विविधता रही है और उन्होंने कई तरह की सामग्री का भी उपयोग किया है अपने काम में। जी, एक्सपेरिमेंट तो कलाकार के जीवन का एक पार्ट होता ही है, क्योंकि जब कलाकार खुद सेटिस्फाई हो जाए तब वहाँ मेरे ख्याल से उसके लिए एक काम का में ठहराव सा आ जाता है। और जो बीच बीच में ये आप प्रयोग करते रहते हैं, हम सभी करते रहते हैं, ये प्रयोग जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और फील्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें से कुछ नया हमेशा निकल सके। तो इसी बात के साथ हम आज के प्रोग्राम को यहीं विराम देना चाहेंगे और कल एक नए अध्याय के साथ हम सभी आपसे फिर से जुड़ेंगे। और तब तक आप अपने इस चैनल को प्यार देते रहिए, दर्शकों दूसरों से शेयर करते रहें, जो भी छोटे छोटे कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उन लोगों को ज़रूर इनसे मोटिवेशन मिलता होगा, क्योंकि ये हिंदी भाषा में है और देश की 99% जनता हिंदी समझती है। तो इस वीडियोस को ज़रूर अपना प्यार दे, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कला के क्षेत्र में ये जानकारी
जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं जो सभी को काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस माध्यम से हमें अनेक अच्छे कलाकारों से, उनके काम से रूबरू करा रहे हैं, उनके जीवन से परिचय करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला इस प्रोग्राम के लिए। और आने वाले समय में हम लाइव के ज़रिए आपका डेमोंस्ट्रेशन व आपका स्टूडियो विज़िट भी ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहां लोग जितना सकारात्मक वातावरण अपने आसपास बना सकें, दूसरों को हम किस प्रकार से सकारात्मक रख सकते हैं उसके लिए, हम खुद को कितना सकारात्मक रख सकते हैं उसके लिए हम सदा प्रयत्नशील हैं। तो इसी के साथ हम आज के इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी में, बहुत बहुत धन्यवाद।